हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे गुड़िया मजबूरी ब्लॉग में आप सभी को दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज भाई दूज है हमारे तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं हैं भाई दूज का। तो आप लोग जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो आज देखिए मैं क्या क्या बना रही हूँ, जो भी बना रही हूँ आप लोगों के पास शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ, मेरा सिस्टम कैसा है बनाने का। अब देखिए आप लोग, ये खीर बन रहा है, ये खीर बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। अब खीर बना दिए हैं और देखिए खीर बनाकर रेडी कर दिए हैं। उसके बाद देखिए ये आलू बाफ दिए हैं, इसके बाद ये दाल भी बाफ दिए हैं और दाल भी बफा गया है, आलू भी बफा गया है। आलू का चोखा का पिट्ठा बनेगा और दाल का पूड़ी बनेगा और खीर बन जाएगा। और बनाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे आप लोगों को कैसे कैसे बना रहे हैं। हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये मसाला भुज रहा है, चोखा का पिट्ठा बन रहा है, ये मसाला भुज रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पिट्ठा का चावल लिए हैं एथी करने के लिए, इसको सानेंगे। वहाँ पर आलू वालू है, बहुत ज़्यादा सरक रहा है। देखिए तो हमारा चोखा भुजाकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप, इधर चोखा भुजाकर रेडी हो चुका है। अब इसको उतार देंगे, हो गया है, सर हो जाएगा तो फिर। हेलो हाय गाइज, देख सकते हैं आप लोग ये आटा भिगो रहे हैं, ये चावल का आटा है, इसको सान रहे हैं। और यहाँ पर चुखा बना कर रख दिए हैं और यहाँ पर दाल पीस कर रख दिए हैं और सब कुछ रेडी हो चुका है मुझे, तो आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग पूरी अच्छी तरह से, आप लोग पूरी अच्छी तरह से देख सकते हैं इसको, मैं पूरी अच्छी तरह से हेलो देख सकते हैं हम पिठा गढ़ दिए हैं। अब पिठा उठा गढ़ा गया है, इसको अब डाल देते हैं। देखिए इसको डाले हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इसको डाल दिए हैं और बन जाएगा तो आप लोग को वीडियो जरूर देखें। देखिए पिठा बनकर तैयार हो गया है, आपको जिसको जिसको खाना है आ जाइए, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा।